नमस्कार, मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बंटवारा पर चढ़ा सियासी पारा। जी हां, कहते हैं कि राजनीति में जो पार्टी जितना तगड़ा नैरेटिव दूसरे दल के खिलाफ सेट कर देती है, उसकी स्थिति जनता के बीच उतनी ही मजबूत हो जाती है। बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ नए नए नैरेटिव सेट करने में जुटी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, उसके आयोजनों से ऐसा प्रतीत हो रहा है। पहले बीजेपी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया और अब हर साल की तरह इस बार भी वो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने जा रही है, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है, तो बीजेपी कह रही है कि नई पीढ़ी को इतिहास पता होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतिहास के सारे भविष्य की राजनीति साधी जा रही है? क्या बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में कामयाब होगी? सवाल तो ये भी, कांग्रेस कैसे बीजेपी की इस रणनीति का जवाब देगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। नैरेटिव की लड़ाई, सियासत गरमाई। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने के बाद अब बीजेपी 14 अगस्त को प्रदेश भर में विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगी, जिस पर अब प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल बीजेपी इस दिन के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताती रही है, लिहाजा बीजेपी की माने तो देश के लिए ये दिन किसी विभीषिका से कम नहीं था। देश को दो टुकड़ों में बांटने के लिए बीजेपी कांग्रेस को आज भी कोस रही है, लिहाजा बीजेपी का कहना है कि वो देश बंटवारे के दर्द को याद करते हुए ये दिवस मनाएगी। देखिए, विभाजन जब मां भारती के सीने पर आरी चला के लाखों बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवा दिया गया था, ये वो ऐतिहासिक भूल है जिसको नई पीढ़ी सदैव स्मरण में रखे और उस भूल से सीखे। भारतीय जनता पार्टी इस विभाजन विभीषिका दिवस को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए, स्मरण कराने के लिए मनाती है और इस बार भी मनाएगी। इधर बीजेपी की तरफ से विभाजन विभीषिका दिवस मनाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ये सब करके देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है, कि कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए ये बीजेपी की कोशिश रहती है और इसीलिए वो ये आयोजन करती है। लेकिन देश की जनता समझदार है, वो बीजेपी की असलियत जान चुकी है। हिंदू राष्ट्र किसको चाहिए था? आज भी उन्हीं को चाहिए। हिंदू राष्ट्र किसको चाहिए? बीजेपी को चाहिए। उस समय सावरकर जी को चाहिए था, ये अंग्रेजों से कह रहे थे हमें हिंदू राष्ट्र दे दो, और मुसलमान कह रहे थे जिन्ना के नेतृत्व में गया हमें मुसलमान राष्ट्र दे दो। तो जिन्हें जो है, जिनने विभाजन करवाया वो लोग तो ये थे। अहमदाबाद की हिंदू महासभा की बैठक में जो भाषण सावरकर जी ने दिया था, उस भाषण को आप लोग कोट करिए, बताइए देश की जनता को, थोड़ा आप भी निर्वाह कीजिए अपने कर्तव्य का, तो आपको सच पता लग जाएगा। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया था, तभी से बीजेपी हर साल इसे मनाती आ रही है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि बीजेपी की कोशिश कांग्रेस के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की है, लिहाजा कभी संविधान हत्या दिवस तो कभी विभाजन विभीषिका दिवस मनाकर वो इसे टारगेट कर रही है। लेकिन अब चुनौती कांग्रेस के सामने है कि वो इसका काउंटर कितनी मजबूती से कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादी टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस नेता समर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वो तो आप पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए था, इस वजह से बंटवारा हुआ था, और आप मुद्दों से भटकाना चाहते हैं इसलिए इस तरह के आयोजन करते हैं, इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि इतिहास कभी मिटाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार से उस समय की जो परिस्थितियां थी जब भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली थी, और जो वर्तमान कांग्रेस आज इस बात को स्पष्ट करे कि तत्कालीन कांग्रेस का नेतृत्व जो था उसने इस बात को कैसे स्वीकार किया था कि धार्मिक आधार पर, जो आज तुष्टिकरण के हम पे आरोप लगाते कि हम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन
लॉर्ड क्लेमेंट एटली और लॉर्ड माउंटबेटन के उस समझौते पे किन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, कौन वो लोग थे जिन्होंने कहा था कि धार्मिक आधार पर देशों का विभाजन करने की आवश्यकता है। हम लोगों को वो भी याद करने की आवश्यकता है जब 1947 में विभाजन विभीषिका दिवस मनाने के जो मुख्य कारक थे, उन मुख्य कारकों में यह भी था कि तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व ने इस बात को बिल्कुल भी ना ध्यान में रखते हुए कि वहां जो अल्पसंख्यक होने वाले हैं या जो गैर मुस्लिम लोग हैं, चाहे तो उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान में, उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों को कौन प्रोटेक्शन देगा। उसके बाद हमने देखा है कि 1947 में जिस लेकिन प्रकार से अजय 5 लाख जी, की तो अजय जी, अब उस दर्द को क्यों उकेरना, क्यों उन घावों को हरा करना? जी मुझे लगता है ब्रिजेश जी, देखिए हमारी वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को यह देश कैसे खड़ा हुआ है, इस देश का संविधान कैसे बना है, इस देश में बहुसंख्यक लोगों के साथ में और गैर जो जो आज कंट्रीज कह रही है कि माइनॉरिटीज के साथ में पर्सिक्यूशन कैसे हुआ। अब पाकिस्तान की बात कर लीजिए, उस समय का जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आज वर्तमान में बांग्लादेश है, वहां की स्थिति देख लीजिए कि जो अल्पसंख्यकों पर किस प्रकार की नृशंसता, उनकी हत्याएं हुई है, उन पर किस प्रकार के अत्याचार हुआ है, इन सारी लेकिन बातों को आंदोलन हमारे में तो आने उस वाले वर्ग की भी भूमिका थी ना, उसे कैसे नकार सकते हैं? जी उस मुझे वर्ग मुझे ने भी इस बात को अपनी आहुतियां दी हैं, जान की आहुतियां दी हैं ना। जी ब्रजेश जी, यही यही वास्तव में हम लोगों को जो इतिहास पढ़ाया गया है उस इतिहास में इस बात को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया गया है कि किन मुद्दों पे उस समय की कांग्रेस और उस समय के नेतृत्वकर्ता इस बात के लिए राजी हो गए कि हम धार्मिक आधार पे देशों का बंटवारा करेंगे, हम धार्मिक आधार पे हमारी देश की संपत्तियों का बंटवारा करेंगे, हम धार्मिक आधार पे हमारे भूभागों का बंटवारा करेंगे। और आज देखिए उस समय जिस 60 लाख के आसपास गैर मुस्लिम लोग यहाँ से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में इसके आए, पीछे क्या सियासी आप मकसद कुछ नहीं है आप लोगों का, कि लेकिन लोगों को ये सियासी बताना मकसद चाह मुझे रहे लगता हैं है कि कांग्रेस की ब्रजेश वजह जी, से सब कुछ हुआ है, ताकि आपको फायदा मिल सके उसका? देखिए ब्रजेश जी, राजनीति के अनेक अवसर आएंगे, राजनीति हमने अभी हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, हमने राजनीति की, लेकिन हमें ये लगता है कि देश की जैसे इमरजेंसी का इतिहास है, जैसे आप इन इन सारे इतिहासों या विभाजन विभीषिका दिवस की बात हो, इन सारे इतिहासों को हमारे आने वाली पीढ़ियों को अवगत होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने विगत 50 वर्षों तक एक ऐसे हिस्ट्री को पढ़ाया, ऐसे इतिहास को पढ़ाया है जो हमारे ऊपर थोपा गया है, उन लोगों को पढ़ाया गया है। आप देखिए हमारी हिस्ट्री की बुक्स उठा के देख लीजिए, अकबर महान तो आज भी हमको पढ़ाया जा रहा था, लेकिन क्या उस समय के हमारा जो हमारा सनातन का इतिहास था, हमारे भारत के राजा महाराजा थे उनके गौरवशाली इतिहास को, छत्रपति शिवाजी महाराज के ठीक, इतिहास को क्या भारतीयों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी? ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं ये जिन तो पे आज अलग विषय डिबेट हो की गया है ना, आवश्यकता है। हम तो विभाजन विभीषिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, समर जी से जवाब ले लेता हूँ। समर जी, इतिहास से जी सबक लिया जाता है, सीखा जाता है, तो नई पीढ़ी को क्यों ना पता चले कि क्या हुआ था तब, ताकि भविष्य में वो दोहराया ना जा सके, उनसे जी सावधानियां जी बरती जा सके। आपको इसमें बिल्कुल राजनीति सही। कहाँ दिख रही है? क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, बहुत मूर्खतापूर्ण ये जो है विषय है जिसके ऊपर बीजेपी जो है कार्यक्रम कर मतलब रही है, वो भी कांग्रेस मूर्खतापूर्ण को घेरने विषय के लिए, है, विषय तो कम से कांग्रेस कम को ये तो घेरने के लिए। मतलब जो मूर्खता थी वो, मैं बीजेपी अरे क्या हुई थी, समर जी, कम से कम शब्द का सही इस्तेमाल करिए, मूर्खतापूर्ण विषय कह रहे हैं आप। जी उसको विभाजन उठाया हुआ, उन्होंने, विभीषिका हुई, वो कत्लेआम हुआ, वो नहीं भाई, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। आप नहीं सुन पाएंगे, आप अजय धवले जी आप नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ये जो आप ये 10 लाख लोगों इतने की सारे हत्या हुई थी, मुद्दों मूर्खतापूर्ण दिवस नहीं है, मेरी बात इसमें सुनिए, 10 लाख लोगों की हत्या हुई है, आप बोल लीजिए, मेरी दस बात सुन लाख लीजिए लोगों भाई की साहब। हत्या हुई है, आप इस प्रकार ठीक है से अजय देश जी, को आप बात आ नहीं जाने मनाना, दीजिए, बात आ विषय जाने, विषय आपत्ति आ मैं गई विषय जो आपकी। आप उठा रहे हैं, ये विषय जो उठा रहे हैं उस विषय के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी के पास में विषयों की कमी हो गई है कि वो इस प्रकार के झूठे विषय अरे उठा रहे हैं, बताना। आपका अरे मेरे को बोलने का मौका तो दीजिए अजय बोला, जी बोलने का मौका तो दीजिए, सुनने अजय का जी आ रहा हूँ आपके पास, मौका है। अजय जी आ रहा हूँ आपके पास। आप मुझे बताइए सबसे पहले कि वीर सावरकर जो आपके समर तथाकथित जी, माफी वीर पारिक सावरकर समर है, जी उनके द्वारा जी पहले समर जी, ये तो इस पर तो मुझे भी आपत्ति है कि विभाजन विभीषिका दिवस को आप मूर्खतापूर्ण कह रहे हैं। भाई इतनी बड़ी त्रासदी इनका हुई जो है, मुद्दा, जिस तरह हम इनका जन मुद्दा जो जन है, स्वतंत्रता दिवस इनका भी जो नहीं मनाना मुद्दा है, चाहिए। इनका जो मुद्दा है उसको मैं मूर्खतापूर्ण मुद्दा कह रहा हूं, क्योंकि ये खुद उस चीज में घेरने वाला हूं मैं इनको। आप देखिए किस प्रकार से
सबसे पहले जो है सर सैयद का टू नेशन थ्योरी के आधार के ऊपर गुजरात के कर्णावती अधिवेशन के अंदर वीर सावरकर द्वारा और इनकी पार्टी के द्वारा मांग होती है कि दो नेशन होना चाहिए, कि दो अलग अलग सभ्यता एक साथ नहीं रह सकती है। 1943 के अंदर जाकर ये लोग जो है वो मुस्लिम लीग के साथ में अपनी जो है सरकार बनाते हैं, उसके बाद में उसी प्रकार के कार्य करके ये एक नया नेशन का क्रिएशन की बात करते हैं। और जहां तक कि कर्णावती अधिवेशन की मैं बात कर रहा हूं, उसके अंदर ये साफ स्पष्ट रूप से है कि सर सैयद के जो एक टू नेशन थ्योरी थी उसके ऊपर ये पूरा इनका बेस था, और इसी जो चीज थी वीर सावरकर ने जिन्हा को उकसाने की कोशिश करी, और जिन्हा को जो उकसाया उसके साथ में एक अलग नेशन की जो है मांग हुई। और एक बता दीजिए, अगर ये बात मांग गलत है तो आप इस बात को मानते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्या इस बात की कभी मुखालफत करी उन्होंने कि हाँ टू नेशन नहीं होना चाहिए? तो जितनी भी मांगे थी ये जो है, आप तो कह रहे थे कि आजादी में उन लोगों का योगदान ही नहीं है, आज आप कह रहे हैं बंटवारे में, तो मतलब आजादी में भी योगदान होगा। अच्छा अच्छा, बता दीजिए, कड़वा कड़वा, अगर आप है तो बता दीजिए, आप है तो बता दीजिए। पीडीपी के साथ योगदान ये बनाते हैं, मैंने तो उनसे भी कहा कि अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का भी योगदान है, समर जी मैंने ये भी कहा, पीडीपी के साथ में सरकार ये बनाते हैं, वो तो आप भी बनाते हैं, वो परिस्थितियों छोड़ दीजिए, हम तो विभाजन सेक्युलर पार्टी कर रहे हैं, हम तो वैसे सेक्युलर पार्टी, हिंदुत्व का झंडा लेके हम समर जी, इसमें हिंदुत्व कहाँ से आ गया? उसमें हिंदू भी मरे थे, मुसलमान भी मरे थे, ये तो समर जी कह रहे हैं ना, समर जी आपत्ति है कि उसमें मुसलमान और हिंदू मरे, इसलिए हमको उसकी आपत्ति, हिंदू राष्ट्र की सब मरे भाई, उसमें दंगों में सब मरते हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता दंगा आयोग के लिए। लेकिन आप ये बताइए कि क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए, वो याद क्यों नहीं करना चाहिए? पुण्यतिथि आप मनाते हो, जन्म जयंती आप मनाते हो, स्वतंत्रता दिवस आप मनाते हो, तो ये चीज भी मनाने की क्या बात है? थ्योरी को लेकर आए थे इनकी पार्टी के पूर्वज ही, तो इस थ्योरी को लेकर आए थे इनकी पार्टी, आप मनाना क्यों नहीं चाहिए? आप बताइए कौन जिम्मेदार है, क्या है, वो उसकी बात नहीं, मनाने में क्यों आपत्ति है भाई? जैसे हम जन्म जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, यदि ये कोई घटना हुई है, विभीषिका हुई है, और जिस तरह से बंटवारा हुआ, तो वो मनाने में क्या आपत्ति है? कांग्रेस को उसमें आपत्ति क्यों दिख रही है, मुझे ये जानना चाहता हूं मैं। समर जी समर जी, लगता कुछ तकनीकी खामी है, मैं लौटूंगा आपके पास। खिलावन जी, आखिर इस पर सियासत क्यों हो रही है? निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना थी, देश का बंटवारा हुआ था, तो नई पीढ़ी यदि ये जाने तो इसमें आपत्ति क्यों है, क्या दिक्कत हो सकती है इसमें, क्यों सियासत हो रही है इसमें, या बीजेपी का मकसद भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? देखिए, नई पीढ़ी को इतिहास से अवगत कराने का प्रयास यदि है और बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य के ये किया जा रहा है, तो मैं कहता हूँ कि एक बढ़िया कार्य है। लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए स्वाधीनता दिवस को याद करना है हमें कि बंटवारा को याद करना है, ये तय होना चाहिए। देश में बंटवारा के समय जो कुछ हुआ, जो भी परिस्थितियाँ पैदा हुई थी, जो जो लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि दो धार्मिक धर्म पंथ को मानने वालों की अलग अलग सरकार न बने, एक कोशिश की जा रही थी, उसके बावजूद विभाजन हुआ, भारत हिंदू राष्ट्र तो नहीं बना, लेकिन पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में उभरा, और जो वर्तमान में हमारे पास इतिहास उपलब्ध है, उन सबको पढ़ने से यह तो स्पष्ट है कि हम विभाजन की विभीषिका का जो अध्याय है उसको खंगालते हैं, तो सबसे पहले नरसंहार का हमको अवलोकन करना चाहिए, कितनी बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ, दोनों ही वर्ग के, ना हिंदू का मारे गए, ना मुसलमान मारे गए, सब मारे गए, सारे के सारे मारे गए, जो भी सामने आया सब मारे गए। तो मुझे लगता है कि इस विभीषिका को याद करना चाहिए हमको। हम हमारे पास जो उस समय के वीडियो भी उपलब्ध है, उस समय के कुछ तथ्य भी उपलब्ध है, तो उन तथ्यों को हमको यदि अवगत कराते हैं नई पीढ़ी को कि किस तरह की परिस्थितियां थी, विभाजन किस तरह से हुआ स्वाधीनता के पहले, ये सब बातों का ज्ञान कराते हैं, तो कोई राजनीतिक, मुझे लगता है कि यदि राजनीतिक उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है ये, तो ठीक है, देश के लोगों को या नई पीढ़ी को अवगत होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से 25 जून को मनाने का एक नेगेटिव सेट करके मनाने का जो है निर्णय लिया गया बीजेपी की तरफ से, उसी तरह से जो ये निर्णय लिया गया है, मुझे लगता है कि इस पर जो है निश्चित रूप से
विचार करना चाहिए, सोच रखना चाहिए। और मुझे लगता है यदि कांग्रेस के लोग इसका विरोध कर रहे हैं या कांग्रेस के लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं तो राजनीतिक मुद्दा है, लाजमी है उनका राजनीतिक दूसरे राजनीतिक दल के क्रियाकलाप तो राजनीति तो करने लगे ना उसमें, राजनीति करो ही मत, राजनीति हो रही है, वो भी मना लेंगे तो कहीं होगा ही नहीं राजनीति उसमें। लेकिन ब्रजेश जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने 12 से लेकर के लगातार 12, 13, 14, 15 एक पूरा कार्यक्रम सेट किया हुआ है और मुझे लगता है कि इस बीच यदि 14 को यह भी मनाया जा रहा है और नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए उस समय की परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए तो 2021 में घोषणा कर दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी थी। तो मुझे लगता है कि अब क्योंकि ये एक पवित्र उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तो ठीक है, और सिर्फ राजनीति के लिए तो ये कैसे पता चलेगा पवित्र उद्देश्य से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसी दिन तो मनाना पड़ेगा। अब भाई वो तो तिथि है, एक विभाजन हुआ था 14 अगस्त को तो 14 अगस्त को मनाना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें किस भाव से मनाया जा रहा है ये भी ज्ञात होना चाहिए। लेकिन एक तथ्य जो तो मैं आपकी नियत पर सवाल उठ रहा है, आप मना रहे हैं अच्छी बात है, मैं आ रहा हूँ समर जी छोटा सा जवाब। ब्रिजेश जी विगत 3 वर्षों से ये विभाजन विभीषिका दिवस मन रहा है, मुझे लगता है इस वर्ष अगर इस पे आपत्ति ले रहे तो मुझे लगता है आपको आपका उद्देश्य क्या है इस दिवस पे आपत्ति लेने का वो बताने की आवश्यकता है। और जो आप मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जो कह रहे थे, ठीक है, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक का उदाहरण दे रहे थे और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, मुझे लगता है तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आज भी उनका एजेंडा अखंड भारत की वो बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये बेमानी है आपकी जो थ्योरी आप कह रहे हैं, टू नेशन थ्योरीज की आप बात कर रहे हैं। मैं दूसरा आपको उदाहरण देता हूं कि लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में छुट्टियां मना ले उस समय का हमारा देश का नेतृत्व, सर रेडक्लिफ को जब धार्मिक आधार पर हमारे देश की बाउंड्रीज डिसाइड करने को कहा गया तब कांग्रेस के कभी भी धार्मिक आधार पर बाउंड्री डिसाइड करने की बात कभी नहीं हुई है। आप मैं एनसीईआरटी के बंदे लोग, ये आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं चलेगी, ये तो बीजेपी वाले लोग करते ही आए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर रहे हैं। कभी भी कांग्रेस ने जाति भेदभाव पर या धार्मिक आधार पर विभाजन को स्वीकार नहीं किया है। भारत और पाकिस्तान की बाउंड्रीज कैसे डिसाइड हुई है? समर जी मुस्लिम राष्ट्र नहीं है पाकिस्तान, उसकी स्थापना मुस्लिम राष्ट्र के रूप में नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है ना, भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत के अंदर दोनों ही प्रजाति के लोग दोनों ही धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन विभाजन तो धर्म के आधार पर हुआ था, हम सेक्युलर है, उन्होंने धर्म के आधार पर मुस्लिम राष्ट्र बना लिया। हमने सेक्युलरिज्म की जो राह है उसको पकड़ा, ये बात हमने बाद में, हमारे बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, ठीक है। ब्रजेश जी ये सेक्युलरिज्म के ठेकेदार पहले ये कि हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड हुआ था उसमें सेक्युलर वर्ड ही नहीं था, किसने अमेंडमेंट के माध्यम से सेक्युलर वर्ड डलवाया, किसकी सरकार थी, क्यों आवश्यकता पड़ी थी जब यह देश सहजीवन के सिद्धांत पर चल रहा था, हिंदू मुस्लिम सभी एकत्र रहते थे, इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने की कितने चाल चली और क्यों राजनीति करनी पड़ी। आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, इस देश के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म वर्ड नहीं था, सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट वर्ड आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक अमेंडमेंट के माध्यम से डलवाया। और आज जो आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, उस समय भी बहुसंख्यक हिंदू थे लेकिन उस समय के जो मुस्लिम थे इस देश में शांति के साथ में रहते थे। अगर ये विभाजन नहीं होता, आज हम देखें पाकिस्तान की परिस्थितियां क्या है, आज हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की परिस्थितियां क्या है, जिन जिन देशों ने धार्मिक आधार पे अपना अलग राष्ट्र मांगा था उनकी परिस्थितियां क्या है। भारत आज भी सहजीवन के सिद्धांत के साथ में काम करता है, जितनी मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में नहीं है, जितनी मुस्लिम आबादी अन्य देशों में नहीं है उतनी भारत में है, फिर भी सहजीवन का सिद्धांत हम मानते हैं कि हमने सबको समाहित करने की, सबका साथ सबका विकास की जो बात की है उसका तो स्वागत कर रहे हैं आप भी, ठीक है समर जी। लेकिन इसमें मनाने में क्या आपत्ति, कोई डर है क्या आपको, कोई डर है क्या कि आपको कोई आप पर आरोप लगेंगे, आप भी मनाइए ना। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता साहब अजय जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर इतनी आपत्ति थी तो आप जाके वीर सावरकर जी और जो आपकी उस टाइम तत्कालीन पार्टी थी हिंदू महासभा, उनसे शिकायत कीजिए, कांग्रेस से मत, कांग्रेस से मत कीजिए, कांग्रेस की बात मत कीजिए, ठीक है, कांग्रेस की बात मत कीजिए आप। आप सिर्फ जो है यहाँ पर जो मूलभूत समस्या है भारत की उससे जो है ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। इसी प्रकार से 5 साल चलेंगे,
इसी प्रकार से 5 साल भी कट जाएंगे, एक दिन हम पेड़ लगाएंगे, एक दिन हम जो है मास्क की दुकानों पर प्रतिबंध लगाएंगे। अच्छा, आप पेड़ लगाने के खिलाफ भी हैं? आप पेड़ लगाने के खिलाफ भी? अरे भाई साहब, कहां ग्लोबल काम कीजिए आप, एक काम रहा है समर जी, दूसरों को बोलने का मौका मत दीजिए। बात करो ना, आप कह रहे पेड़ लगाएंगे तो अच्छा काम नहीं है, पूरी दुनिया लगी हुई है, तो जहाँ 25 लगी है, 25 फीट जो बड़े पेड़ कट रहे हैं ब्रजेश जी, आप उसका भी बोलिए ना, जहाँ साल भर सज्जे की दंगल कर रहे हैं उठाइए ना, बोलिए ना आप, वो उठाइए ना कि आप पेड़ों में गड़बड़ी हो रही है, वो उठाइए। लेकिन आप कह रहे पेड़ लगाएंगे एक दिन, पेड़ लगाना, अरे ब्रजेश जी कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो आप, कैसी बात कर रहे हो यार समर जी, पेड़ लगाना अच्छा कार्य है, पेड़ों में भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया, किसने डिबेट नहीं की, आपके वन मंत्री ने क्लीन चिट दे दी, अर्थ मत निकालिए आप, अर्थ का अर्थ मत कीजिए आप, एक पार्टी की तरफ से मत बोलिए, आप पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ मैं, आपको आईना दिखा रहा हूँ, आप देख नहीं रहे, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ इस चीज के ऊपर, आप आईना नहीं देख रहे हैं, आप कम से कम ये तो मत कहिए कि एक दिन पेड़ लगाएंगे, पेड़ तो लगाना चाहिए, आपकी पार्टी ने भी स्वागत किया पेड़ लगाने का, आपने उन दो लोगों पर कार्रवाई कर दी, आयोजन इतना बड़ा आयोजन करने, पूरा दिन उसके ऊपर डिबेट में निकल जाता है, एक दिन निकल जाता है, एक दिन हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे बिना हेलमेट के, लड़के चलेंगे, पार्टी निकाल रही है भाई, सरकार तो अपना काम कर रही है, पार्टी निकाल रही है, आप भी निकालिए, एक दिन हम 15 अगस्त बनाएंगे उसमें निकल जाएगा, इस प्रकार 15 अगस्त भी नहीं मनाना चाहिए समर जी, समर जी क्या 15 अगस्त भी नहीं मनाना चाहिए, 26 जनवरी चाहिए, क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी बोलते चले जाते हो, अरे हमने कब कांग्रेस का नहीं चरित्र है, आप आयोजन जो आप कर रहे तो बंद कर दोगे, 15 अगस्त टाइम पास करना है कार्य जो सरकार यहाँ पर, मतलब ये टाइम पास हो गया 15 अगस्त बनाना, टाइम पास हो गया, अरे आप मैंने 15 अगस्त का नाम भी नहीं लिया ब्रजेश जी, तो आपके मन की बात है, मेरे मन की बात है, मन की बात सुना सकता हूँ दोबारा आपको, एक दिन चला जाएगा 15 अगस्त में, एक दिन चला जाएगा पेड़ लगाने में, ये काम नहीं होना चाहिए आपसे, मैंने 15 अगस्त के दिन का नाम लिया आपसे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार जो है पूरे देश में प्रदेश के अंदर मूलभूत समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम करती है और मीडिया और बाकी लोगों को उलझा के रखती है, ताकि जो समस्या है मूलभूत समस्या उसके ऊपर बात नहीं की जाए। आप बताइए कि आपने अगला जो कार्यक्रम है वो चांदीपुरा वायरस पे कब कर रहे हैं, कि मध्य प्रदेश के अंदर भी जो है बच्चों को चांदीपुरा वायरस लगने लग गया है, राजस्थान में गुजरात के अंदर ऑलरेडी बच्चों की मौतें हो गई है, वो उस पे कब कार्यक्रम कर रहे हैं, हम जो है इसी प्रकार के कार्यक्रम आधे घंटे आप 24 घंटे चैनल देखते हैं, क्या दिखा रहे हैं हम, क्या नहीं दिखा रहे हैं, इसी प्रकार तो मैं चाहूंगा ना कि आप 24 घंटे चैनल देखते हैं क्या, तो हम क्या क्या नहीं दिखाते हैं, सब दिखाते हैं, सब पे बात करते हैं, मेरी बात सुनिए, मेरा आप चाहते हो एक ही चीज पे बात करें, फिर आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, बात नहीं विरोध क्या, विरोध करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सरकार है जिसकी जिम्मेदारी है यहाँ पर फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर देने की, विरोध ऐसे करेंगे क्या, वो क्यों क्या कर रही है भाई, वो इस प्रकार के कार्यक्रम करके लोगों को पदभ्रमित कर रही है, उनको उनको नई नई चीजों में लगा रही है, कहाँ से हो गया, व्यक्ति को पता चल रहा है ना क्या हुआ, तो था से पहले आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि ब्रजेश जी आपके चैनल पे उस 14 तारीख को आप दिखाएंगे कि जो वीर सावरकर और इनकी जो हिंदू महासभा थी उसने सबसे पहले पूरा इतिहास दिखाते हैं, चैनल देखा करो, समझाइएगा आप उसको, आप यदि पढ़ो देखो सारी चीजें आती हैं, अखबार भी पढ़ना सारा कुछ दिखाया जाता है, लेकिन आपको क्या है, आपको चाहिए आप उनसे इस बात पे नहीं जीत सकते, इनके इनके लिए सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का योगदान ही देश की स्वतंत्रता का एकमात्र कारक है, इनके उससे इतर अगर आप किसी व्यक्ति को मना लोगे, देखिए सरदार वीर पटेल, सरदार पटेल की जब इतनी बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना तब भी कांग्रेस का कोई नेतृत्व आज तक के वहां नहीं गया, क्योंकि इनको दिक्कत है कि ये सरदार पटेल के योगदान को गांधी परिवार के योगदान से अधिक नहीं मानते, जिस व्यक्ति ने इस देश की रियासतों को भारत के में जिसने यूनिटी का काम किया, जिसने अजय जी माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जिस दिन देश का बंटवारा हुआ था उस दिन को बीजेपी मना रही है विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में, क्या उसकी मनसा उसकी नीयत ठीक है, इस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसका विरोध क्यों, यदि इतिहास के बारे में नई पीढ़ी को बताया जा रहा है तो इसमें बुराई नहीं, क्या कांग्रेस को कोई डर है या चोर की दाढ़ी में तिनका है इस वजह से वो इसका विरोध कर रही है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी, नमस्कार।